उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रुई की मंडी रेलवे फाटक पर बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के बीच व्यापारियों की समस्याओं को लेकर रेलवे अधिकारियों से व्यापारियों की बात रुई की मंडी रेलवे क्रॉसिंग के पास बैठक कर रखी। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने स्थलीय निरीक्षण कर व्यापारियों की समस्या को समझते हुए रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बैठक के दौरान साफ कहा कि विकास कार्य मोदी और योगी सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन किसी भी व्यापारी का अहित भाजपा सरकार में नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने शाहगंज क्षेत्र के व्यापारियों और जनता की समस्याओं से रेलवे DRM के प्रतिनिधि मंडल और निर्माणदायी संस्था के अधिकारियों के साथ वार्ता कर जन समस्या से अधिकारियों को रूबरू कराया। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि शाहगंज क्षेत्र के व्यापारियों और आम जन मानस को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए, ROB का निर्माण समय से पूरा किया जाए। आज व्यापारी लोग बैठे, DRM ऑफिस के प्रतिनिधि बैठे और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो डिपार्टमेंट के लोग बैठे और कुछ उनको जनता की समस्याओं से अवगत कराया गया कि यहाँ पर शाहगंज मार्केट में व्यापारियों का और ग्राहकों का आना अवरुद्ध ना हो। एक सुझाव है, उनको 2-3 सुझाव दिए गए, उन सुझावों में टेक्निकल बात वो देखेंगे, हम जनता की सुविधा देखेंगे, दोनों में जहां सामंजस्य होगा वो काम होगा। कैबिनेट मंत्री ने व्यापारियों की और क्षेत्रीय लोगों की समस्या को गंभीरता से सुनते हुए रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के साथ कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों को जन समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, हमारे लिए जन समस्याओं का सत समाधान पहली प्राथमिकता है। वर्तमान क्रॉसिंग को इस तरह से चालू रखा जाए कि उस मार्ग से दो पहिया वाहन रिक्शा लोडिंग टेम्पो का ही आवागमन हो। इसके लिए लोहे का गार्डर लगाकर बड़े वाहनों को रोका जाए और व्यापारियों के वाहन को सुगमता से निकाला जाए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने जन समस्या के समाधान के लिए शाहगंज क्षेत्र के व्यापारी और क्षेत्रीय लोगों की बात को रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के समक्ष रखा तो समस्या की गंभीरता को समझते हुए रेलवे बोर्ड के अधिकारी भी कैबिनेट मंत्री की बात से सहमत दिखे। वहीं क्षेत्रीय व्यापारी और स्थानीय निवासियों ने भी कैबिनेट मंत्री की न्यायपूर्ण मध्यस्थता पर सहमति व्यक्त की। इन्होंने हम लोगों ने माननीय मंत्री जी को अपनी समस्या सुनाई थी कि यहाँ से ये फाटक बंद हो रहा है और यहाँ पे सारी समस्याएं विकराल हो जाएंगी, लोग जो है बेघर हो जाएंगे, व्यवसाय ख़त्म हो जाएगा। तो माननीय मंत्री जी ने हमारे आग्रह पर यहाँ आए और माननीय मंत्री जी ने रेलवे के अधिकारियों को यहाँ मौके पर बुलाया और उनको घटना भी दिखाया कि माननीय मंत्री जी ने इनसे कहा है कि किसी भी प्रकार से व्यापार चौपट नहीं होना चाहिए, व्यापारियों की समस्या का निराकरण होना चाहिए, आप अंडरपास दीजिए और यह फाटक को बंद मत करिए। ये सब सुझाव दो हमने दिए हैं और माननीय मंत्री जी ने भी सुझाव दिया, यदि उसके बाद भी अगर व्यापारियों की समस्या दूर नहीं होती है तो व्यापारी आंदोलन करेगा क्षेत्रीय निवासियों के साथ। मेरा नाम राधा रानी मनवानी है। यहाँ व्यापार के विषय में पुल, रेलवे पुल बन रहा है जिसमें व्यापारियों को दिक्कत हो रही है, इसी वजह से मंत्री जी को यहाँ बुलाया गया था और उन्होंने अधिकारियों को भी बुलाया गया था और मंत्री जी ने अधिकारियों से बात करके उनकी समस्याओं का समाधान करने का किया। व्यापारियों के और क्षेत्रीय लोगों के सुझाव के आधार पर कैबिनेट मंत्री ने कहा, कोई ऐसा अंडरपास बना दिया जाए जिससे मात्र दो पहिया वाहन रिक्शा और लोडिंग टेम्पो का आवागमन संभव हो, जिससे क्षेत्रीय लोगों को रोजी रोटी का साधन व्यापार प्रभावित ना हो। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने रेलवे अधिकारियों और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को जनता की सुविधा और व्यापारिक हितों में सामंजस्य बैठाते हुए बीच का रास्ता निकालने के निर्देश दिए।